हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने जा रहे हैं हेयर फॉलिंग के बारे में। आज के डेट में हेयर फॉल इतना क्यों हो रहा है? तो हेयर फॉलिंग आखिर ये प्रॉब्लम कौन सा है, किस रीजन से होता है, पहले इसको जानना जरूरी है। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी जागरूकता हो जाए तो हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम को तुरंत रोका जा सकता है। किस रीजन से होता है? लोग सोचते हैं किस रीजन से हो रहा है, तो बहुत सारा रीजन है। पहला है टेंशन है, जीनेटिकल प्रॉब्लम है। दूसरा है आज के भाग दौड़ लाइफ स्टाइल में गंदगी है, खान पीन जो है वो बढ़िया से नहीं हो रहा है, इस वजह से भी हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम होता है। हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम में मेनली जो देखा गया और टेंशन भी मेन है, और जेनेटिकल प्रॉब्लम और टेंशन सबसे उगाया मेन है। जेनेटिकल प्रॉब्लम टेंशन है, हेरिडिटिकल प्रॉब्लम है, थायराइड वाला प्रॉब्लम है, बहुत सारा सो मेनी प्रॉब्लम होता है हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम होता है। तो लेकिन फर्स्टली इसमें जो होता है मेनली आप बैलेंस डाइट लें और बढ़िया से अपना देख रेख करें, इसमें जागरूकता लाएं, हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम रुक जाएगा। लेकिन लोग आज के डेट में बाजार से तरह तरह की दवाइयां ला कर के यूज करते हैं और उसके चक्कर में पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। हम दोस्तों कहने जा रहे हैं कि हेयर फॉलिंग को होम्योपैथिक मेडिसिन, हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम में है होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, उससे बेटर रिजल्ट और कोई दे ही नहीं सकता है। फर्स्टली उसमें जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं अपने तजुर्बा के अनुसार, पहला एक दवा आता है थायरोडीनम 1 ml, इसको फर्स्टली प्रिस्क्राइब किया जाता है 1 डोज 1 डे के लिए, उस दिन और कोई दवा नहीं चलेगा। उसके बाद आता है एक एसिड फॉस 30 पावर में ले लें, 30 ml भी मिलता है तो 100 ml मेरे पास है, बाजार से 30 ml भी ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम 4 बूंद। ये हो गया थूजा ऑक्सीडेंटलिस, थूजा ऑक्सीडेंटलिस सुबह दोपहर शाम इसको भी 4 बूंद ले सकते हैं। अब दूसरा चीज़ है कि उसमें कंस्टिपेशन भी देखा जाए कि उनको कंस्टिपेशन है, तो कंस्टिपेशन अगर आता है तो रात में नक्स होम वो ले लें, 30 ml में बोतल में बाजार से खरीद लेंगे, 4 बूंद रात को सोते वक्त ले सकते हैं। प्रिकॉशन के लिए, ज़्यादा प्रिकॉशन के लिए हम आज के डेट में जो दे रहे हैं, इससे ये बहुत बढ़िया शैम्पू काम करते हैं, बेस्ट मेडिसिन के रूप में डीजल आर्नी का हेयर स्काल्प है, ठीक है। इसको 3 दिन पर 1 दिन शैम्पू कर लें और रात के रात डेली जबरंडी जो तेल है इसको लगाएं। बस हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम, बस थोड़ी सी जागरूकता।